सर्व शिक्षा अभियान 2009 के तहत जहां शिक्षा विभाग द्वारा गांव-गांव में स्कूल चलाकर बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे शिक्षकों की नियुक्ति हुई ही नहीं है और बच्चे फालतू की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसका सबसे उदाहरण गाँव है लक्ष्मीपुर ब्लॉक का प्राथमिक विद्यालय भटवा, जहाँ पर एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई है और वहाँ पर पैरा टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसकी सबसे प्रभावित बच्ची है कुमारी पूजा, जो कक्षा 3 में पढ़ती है और उसे एक भी विषय पढ़ने नहीं आ रहा है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? कक्षा 3। ये बताओ आपके स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं? 183। और टीचर कितने हैं? एक। कुल कितने विषय हैं आपके स्कूल में? 8। 8 विषय आप पढ़ लेती हैं? अच्छा, ये बताओ तू पढ़ लिख के बड़ा होके का बन गई? यही भटवा स्कूल में पढ़ा थी 3 में। अच्छा, ये बताओ जब भटवा विद्यालय पे जो यहाँ लड़कियाँ पढ़े ले जौन स्कूल में, वहाँ आप गई जाय जाला? अरे हाँ, मैंने जरूर जाय जाला। कुल कितना मास्टर वहाँ बाटे? अब हम मास्टर तो इकट्ठे हुए समय पढ़ावत हैं। सरकारी टीचर हो? अब सरकारी तो ना हो, वह मास्टर लगौले बाटे। का नाम हो उनका? रीना। ये बताओ जब वहाँ पे बढ़िया पढ़ाई होला? अब अकेले बात कितना पढ़ाई करी। अरे मैंने हमारे ये चाहती मैं लड़कियाँ पढ़े जाती है शुद्ध पढ़े, मास्टर रहे ना शुद्ध, ये भी एक मास्टर 4 क्लास में कितना पढ़ाए। आप इस स्कूल में कितने सालों से काम कर पढ़ा रहे हैं बच्चों को? आप कौन से पद पे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुल कितने बच्चे होंगे और यहाँ पे शिक्षक कितने हैं? आप ही पढ़ा रही हैं बच्चों को? ये बताइए क्या यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? यहाँ पे कुल बच्चों के कितने विषय हैं? 8। 8 विषय की पढ़ाई हो जाती है? नहीं हो पाती है, समाप्त समाप्त रह जाते हैं तो क्या? मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सभी वीडियो देखने वाले हमारा सहयोग करें व शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आप सभी इस क्षेत्र में हमारी मदद करें। मैं चाहता हूँ आप सभी वीडियो देखने वाले सीधे BSC कार्यालय पर फ़ोन करें व उनके ऊपर दबाव बनाएं। उनका नंबर है 055-222-3737। मैं संजय कुमार महाराज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।